के अंदर कोई गरीबों को देखने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार साथ निश्चय चला रहा है पंचायत पंचायत में 50-40% उसमें लूट हो जाता है। ये मुखिया मुखिया पंचायत सचिव वार्ड सब ले लेता 50% इंजीनियर और जो बच जाता है उसमें काम होता है बालू का भीत बनाता है नाला या रोड। सारे बिहार के अंदर लूट का राज मचा हुआ लूट का राज मचा हुआ इस भ्रष्टाचार से कौन लड़ेगा। नीतीश जी जो तुमने रास्ता अपनाया है बिहार को तुम कंगाल बना दोगे। भूमि सुधार कानून तो लागू नहीं किया नहीं करोगे तुम्हें दम नहीं है। और आज लाखों लाखों भूमिहीन आज बेघर है घर घर बार उसको नहीं है सड़क पर फटक रहा है। यहाँ खगड़िया जिले के अंदर भी सही कहा हमारे साथियों ने आज हजारों लोग बांध पर बसे हुए हैं जो नदी से कटा चाहे कोसी बागमती से कटाव पीड़ित है या गंगा से कटाव पीड़ित है आज तक उसका पुनर्वास नहीं हुआ आज तक उसको परेशानी मिला। हजारों गांव बने कम से कम 500 गांव है जिस गांव को बसाया गया है उसको आज तक परेशानी मिला कैसे मिलेगा बिना लड़ाई का। आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा संघर्ष करना पड़ेगा। और एक बात मैं कह देता हूँ राह कर देता हूँ कुछ दलाल है मैं सुना महेशपुर से सतीश नगर के बीच कुछ दलाल पैसा वसूलते हैं और कहते हैं रेलवे की जमीन एनएच की जमीन में बोरी खुट्टा डाल रहा है और हम लोगों को बदनाम करता है। हम इसके इसके सख्त विरोधी हैं। एनएच 4 लेन बनेगा रेलवे की जमीन है उसमें कोई घर बनाने का सवाल नहीं है। जो गुंडा ऐसा करता है जो पैसा वसूलता है पुलिस उसको उस पर प्रशासन कार्रवाई करे। कुछ ऐसे दलाल है चाहे वो वामपंथी दल के कार्यकर्ता हो जो हो लेकिन जो दलाली करता है जो वसूलता है जनता से और गुमराह करता है वैसे लोगों को जेल के अंदर आना चाहिए। मुझे मालूम हुआ एक दिन कि कुछ लोग एक गांव में हमारे नाम पर की घर बना रहा है गैर मजरूबा जमीन और गैर मजरूबा जमीन है उसकी नापी होगी उसका खतियान बनाया जाएगा नापी होगा और नापी करके निकाला जाएगा तब उस पर घुसाने का कोई सवाल आएगा ऐसे नहीं होगा। लेकिन जुल्म बड़े हैं अन्याय बड़े हैं इस मोदी इस नीतीश के राज में। अभी मैं 5 दिन पहले मधुबनी जिला के कुटौला गया था नेपाल के बॉर्डर में वहाँ एक मुरलावा मुसारी है 150 परिवार आज 18-20 वर्ष पहले उसको बसाया गया प्रशासन के द्वारा उसको संपूर्ण आवास दिया गया वो गैर मजरूआ खास जमीन में सबको पर्चा दिया गया बंदोबस्त का बंदोबस्ती का कागज दिया गया। और अभी हाईकोर्ट से ऑर्डर आया और वहाँ का जिला प्रशासन जेबीसी से मशीन से सबको ढा दिया। हम गए थे वहाँ हमारे लोग हजारों लोग ढके हुए हैं और वहाँ का कलेक्टर अच्छा ASDO था अशोक कपिल उसने कहा 4-4 लाख सबको देंगे एक इंदिरा आवास देंगे 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं। लेकिन हमने कहा अशोक कपिल जी ये मानना मानने वाला नहीं है पहले तो जो उसने हाई कोर्ट में गलत आंकड़ा देकर और आपके CO कर्मचारी ने जो वहां गया और गलत आंकड़ा दिया वो जमीन तो सरकारी जमीन है कैसे उसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उसको उजारने का उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और ये तमाम महादलित उस जमीन पर रहेगा आज वो तमाम महादलित को हम लोग वहाँ रखे हुए हैं। ऐसा ही अभी भदास के अंदर सिलिंग की जमीन थी मैं एक दिन आ रहा था आज हो रहा है लगभग 1 महीना और वहाँ 16-17 कट्ठी जमीन पर वहाँ का महादलित 70 परिवार बस गया था उस सिलिंग के जमीन में और वहाँ के गुंडे अपराधी वहाँ कुछ लोग अपराधियों को संगठित करके पुलिस से मिली भगत करके गया और 15-20 राउंड फायर किया और सब घर को जला दिया। आपको सुन के आश्चर्य होगा DM साहब आप भी दलित हैं दलित के बेटे हैं लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये कहता है रामविलास पासवान दलितों के मसीहा रामविलास जी आप ही के राज में आप ही के जिला में दलितों का घर जलाया जाता है और उस पर FIR भी नहीं होता है। यह है नीतीश की सरकार इसलिए नीतीश के सरकार में दलित प्रोटेक्टर नहीं है सुरक्षित नहीं है महिला प्रोटेक्टर नहीं है वो सुरक्षित नहीं है पूरे खुलेआम
आप रोज अखबार देखते होंगे, 6 बरस 8 बरस 10 बरस के बच्ची के साथ रेप होता है, इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा। अरे माता और बहनों, तुमको खड़ा होना पड़ेगा। अरे मजदूर और किसानों, अरे दलितों, तुमको खड़ा होना पड़ेगा, उस सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और अगले आने वाले दिनों में, अगले 2019 के चुनाव में इसको उठाकर फेंक दो और हिंदुस्तान में, बिहार में बाल जनवादी सरकार बनाओ। इन शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी वादन करता हूँ, आशा और उम्मीद करता हूँ आप संगठित और एकताबद्ध होकर आगे बढ़ोगे और 25 अक्टूबर को 15,000 से 20,000 के तादाद में पटना चलोगे। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। हाँ भैया करें।